हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड. आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा. गाइस, अब सीटेट एसटेट दोनों एग्जाम ओवर हो चुके हैं. सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सीरीज डेट इज रिलेटेड टू माय फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश लिटरेचर. इट्स यूजफुल फॉर NTANet एज वेल एज PGT स्क्रीनिंग, हरियाणा एग्जाम, DSSB, K.V.S, NVS, UPTET, MPTET, whatever, जहां पर भी इंग्लिश लिटरेचर आपको आएगा तो वहां पर आपको वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी. गाइस, सबसे पहले हम इंडियन राइटिंग का सेक्शन स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर रखा है कुछ 4-5 पार्ट्स के अंदर, बट वो डिस्कशन बहुत डीप नहीं थी, काफ़ी क्वेश्चंस रह गए थे इसके अंदर. अब जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं ये बहुत डीप कंटेंट है और आपका इंडियन राइटिंग से आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा. और यू नो वेल, इंडियन राइटिंग इज अ मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एग्जाम इन इंग्लिश लिटरेचर. सो लेट वी स्टार्ट अवर क्वेश्चंस. ये बाइलिंगुअल रहेगा क्योंकि आई डोंट नो एनी काइंड ऑफ डोंट नीड एनी काइंड ऑफ शो ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. आई जस्ट वॉन्ट कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे. सो लेट वी स्टार्ट अवर इंडियन राइटिंग. सो गाइज, वेन वी स्टार्टेड आवर इंडियन राइटिंग देन यू नो वेल हु इज द मोस्ट डोमिनेटिंग नॉवलिस्ट. इंडियन राइटिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड करके पढ़ेंगे. सबसे पहले हम नॉवलिस्ट को पढ़ेंगे कि इंडियन राइटिंग के अंदर कौन से नॉवलिस्ट हैं. 10 वीडियोज एटलीस्ट बनेंगी, 10-12 वीडियोस, और इंडियन राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद हम इंडिया के फेमस पोएट को पढ़ेंगे और देन हम ड्रामेटिस्ट को पढ़ेंगे क्योंकि यू नो वेल बहुत सारे इंसान हैं जिन्होंने पोएट्री लिखी है, कुछ है जिन्होंने ड्रामा लिखे हैं, कुछ है नॉवलिस्ट हैं. तो बेसिकली नॉवलिस्ट आर द मोर फेमस देन एवरीवन. सो लेट वी स्टार्ट. तो वेरी फर्स्ट मुल्क राज आनंद. यू नो गाइज, मुल्क राज आनंद, वेन वी टॉक अबाउट द इंग्लिश राइटिंग द वेरी फर्स्ट नेम डेट्स कम इन अवर माइंड दैट इज ओनली एंड ओनली मुल्क राज आनंद बिकॉज ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट फेमस, मोस्ट डोमिनेटिंग राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. मुल्क राज आनंद का लाइफ स्पैन है 1905 to 2004. मुल्क राज आनंद, राजा राव एंड आर के नारायण. रिमेंबर दिस फैक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मुल्क राज आनंद, राजा राव, आर के नारायण, ट्रायो ऑफ इंग्लिश फिक्शन, मीन्स दे आर द ट्रायंगल ऑफ इंग्लिश फिक्शन. यू कैन से दे आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ऑफ इंग्लिश फिक्शन. एक बार DSSB में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज नॉट, हु इज नॉट अमंग द ट्रायो ऑफ इंग्लिश फिक्शन, देन यू हैव टू रिमेंबर मुल्क राज आनंद, राजा राव एंड आर के नारायण. यू नो इज अ बेसिकली फ्रॉम पंजाब एंड मुल्क राज आनंद इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद से काफी इन्फ्लुएंस थे, एज वेल एज ही रविंद्रनाथ टैगोर जी से भी काफी इन्फ्लुएंस थे. इंग्लिश की यदि हम बात करें, ही इज नोन एज डिकिन्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. यू नो चार्ल्स डिकिन इज अ फेमस नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा, एज वेल एज अ सेम थिंग द मुल्क राज आनंद इज अ फेमस नॉवलिस्ट इन इंडियन राइटिंग. मुल्क राज आनंद एंड चार्ल्स डिकिन्स बोथ हैव द सेम थीम, सेम आइडियाज. दे ऑल टॉक्स अबाउट द पुअर पीपल, माउथ पीस ऑफ अंडर डोग्स. सो यू रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो कि मुल्क राज आनंद इज अ माउथ पीस ऑफ अंडर डोग्स, मतलब अंडर डोग्स के लिए जो माउथ पीस कहा जाता है, ठीक है. ही इज known as the Dickens of India. In his work, he is basically influenced by the Karl Marx, Charles Darwin. तो काफी influenced, यदि इंडिया का influence देखे तो मुंशी प्रेमचंद एंड रविंद्रनाथ टैगोर, basically Dickens as an India and as well as the Karl Marx, इसकी writing काफी ज्यादा influence थी, ठीक है. और once time is life से जुड़ा हुआ एक simple सा fact आपको ध्यान रखना है, ललित कला अकेदमी जो है उसके भी chairman रह चुके भाई, जो मुल्क राज आनंद उनके चेयरमैन थे. तो मुल्क राज आनंद में काफ़ी वैरायटीज थी, काफ़ी थीम्स थे, काफ़ी कैरेक्टर्स को लेके ह्यूमनिस्टिक विजन जो है इन्होंने रखा था, सेम विचुअल जो है कॉन्सेप्ट, अंडरडॉग्स. तो ये सब पॉइंट्स आपको इसका बेसिक जो है याद रखना है. मुल्क राज आनंद जी एक बार जब गांधी एंड मूवमेंट्स के अंदर थे तो जेल में भी गए थे, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड सब मिले हुए हैं. पद्मश्री नहीं, एंड साहित्य अकादमी अवार्ड के जो है विनर हैं मुल्क राज आनंद जी, तो ध्यान रखना. TS Eliot ने भी इनको, इनके साथ कोलाबरेटेड किया था एक वर्क सेरिटोरियन, तो ये आपको ध्यान रखना है. जो सेरिटोरियन वर्क है TS Eliot का, ये भी कोलाब्रेशन था भाई, मुल्क राज आनंद के साथ कोलाबरेट किया था. मतलब मैगजीन, TS Eliot जी ने एक मैगजीन लिखी थी, तो इस मैगजीन में थोड़ा सा मुल्क राज आनंद का भी कोलैबोरेशन था. तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था. जो विजन है एज ए राइटर इनका, एस्टीम एंड द वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी का मिक्स मैच आप इसको जो है कह सकते हो मुल्क राज आनंद जी को. अब मुल्क राज आनंद जी के हम वर्क पे बात कर लेते हैं. द वेरी फर्स्ट वर्क मुल्क राज आनंद इज मोस्ट फेमस डेट इज अनटचेबल. देखिए सभी पॉइंट्स, सभी कैरेक्टर्स को ध्यान समझने जाना. मैं आपको छोटी देती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन अब मुल्क राज आनंद से नहीं रहेगा. The first work is Untouchable. The time is 1935. Untouchable is published in 1935 and Untouchable is the first novel by the Mulk Raj Anand.
ये मुल्क राज आनंद जी का फर्स्ट नोवेल है. अब टाइटल इटसेल्फ रिवील्स द स्टोरी, जो टाइटल है वो अपने आप ही स्टोरी को रिवील कर रहा है. देखो अनटचेबल, इसके अंदर क्या था, यू नो वेल व्हेन यू गो विद द टाइम ऑफ मुल्क राज आनंद राइटिंग्स इज द टाइम व्हेन इंडिया इज अंडर डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, ऑल थिंग्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन. मतलब आप ये कह सकते हो छुआछूत वाली थी, अनटचेबिलिटी चल रही थी. अनटचेबिलिटी क्यों थी, जो पुअर पीपल्स थे, मतलब जो कास्टिज्म सिस्टम आप कह सकते हो कि वो कुछ वॉशरूम वगैरह, सड़कें साफ करना, मतलब जो नीची कैटेगरी का काम करते थे उनको अनटचेबल मानते थे, अछूत मानते थे. वो किसी को हाथ भी लगा देते तो लोग उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाते थे. तो मेजर कैरेक्टर बाखा है इसका. तो कैरेक्टर्स आपको इंडियन राइटिंग से पक्का याद रखना, कैरेक्टर्स का क्वेश्चन तो हमेशा आता है. तो मेजर कैरेक्टर बाखा है, 18 ईयर ओल्ड जो है स्वीपर होते हैं बाखा. हाउ फेसिंग हिमसेल्फ इन द हैंड मीटिंग एक्सपीरियंसेस, मतलब इसके अंदर इसका एक्सपीरियंस दिखाया गया कि जो हिंदू सोसाइटी होती है कैसे इसको, मतलब एक बार किसी हिंदू को इसको गलती से हाथ लग जाता है तो हिंदू लोग इसको पीटना शुरू कर देते हैं. और एक हाई क्लास हिंदू प्रीस्ट रिड्यूस सिस्टर ऑफ बाखा. देखो मतलब सोसाइटी को कितना डीपली एनालाइज किया मुल्क राज आनंद जी का जो टाइम है. ये भी याद रखना मुल्क राज आनंद जी का जो बर्थ टाइम है 1905, हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना भी हुई थी, बंगाल का पार्टीशन, बंगाल विभाजन. तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सा राइटर है जिसका जन्म बंगाल विभाजन के टाइम हुआ था. तो जस्ट यू रिमेंबर द मुल्क राज आनंद. अब देखो सोसाइटी कितनी हिपोक्रिट है, एक तरफ तो हिंदू प्रिस्ट है वो हाथ भी लग जाता है तो मारने लग जाता है बाखा को, और दूसरी तरफ जो हिंदू प्रिस्ट है वो उसकी सिस्टर को सिड्यूस करता है, मतलब उसकी सिस्टर के साथ गलत बिहेवियर करता है, उसको सिड्यूस करता है, मतलब सेक्सुअली उसको इंटेंशन करता है. तो देखो कितना हिपोक्रिटिक है. तो अब वो उसको नहीं छुएगा लड़की को. तो कहने का मतलब कुछ ऐसी सोसाइटी को मुल्क राज आनंद ने दिखाया है. वंस एक बार बाखा क्या होता है, मतलब छोटी छोटी स्टोरी की इवेंट है, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं. बाखा एक बार किसी वाउंडेड पर्सन की हेल्प कर देता है तो पहले तो फैमिली वाले सोचते हैं अरे हमारे बच्चे को बचा के ले आए, बट वेन दे कम टू नो ही इज अनटचेबल देन दे कर्स्ड बाखा. वो बाखा को खूब सारा जो है कर्स करते हैं, मतलब इस टाइप से जो नेगेटिव जो आप स्टोरी कह सकते हो. अब इस स्टोरी का बेसिकली जो सोल्यूशन या आप कह सकते हो जो थीम निकलती है, मेजर जो थीम, मेजर सोल्यूशंस, तो मुल्क राज आनंद 3 सॉल्यूशंस देता है. मतलब एक तरह से थीम क्या है इसके अंदर, अनटचेबिलिटी सबको पता है भाई अनटचेबिलिटी है, बट इसके अंदर क्या है कि मुल्क राज आनंद जी कहते हैं इट्स गोइंग टू बी फिनिश, ये फिनिश होनी चाहिए. मतलब इसके अंदर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग राइटर्स ने अपने व्यूज दिए थे कि क्रिश्चियनिटी को अपनाओ, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वो कभी भी अनटचेबिलिटी को नहीं जो है मानती है. फिर महात्मा गांधी जी ने इसके अंदर आपको पता जो हरिजन वर्ड दिया था महात्मा गांधी ने, तो काफी ज्यादा फेमस हुआ था, ये इसी वर्क को रिलेटेड था हरिजन. वैसे तो ये हिस्टोरिकल चले तो पूना पैक्ट से रिलेटेड है, बट जस्ट इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इसी वर्क से रिलेटेड है. थर्ड सॉल्यूशन इसने ये दिया था, वी नीड टू इंट्रोड्यूस द फ्लैश सिस्टम एंड द मशीन्स, क्योंकि जो अनटचेबल उनको क्यों अनटचेबल मानते हैं, क्योंकि वो टॉयलेट साफ करते हैं, वॉशरूम साफ करते हैं. तो कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ राइटर्स कहते हैं कि मशीनी सिस्टम लगा दो हर जगह, फ्लैश सिस्टम लगा दो, कि फ्लैश होगा तो कोई किसी का टॉयलेट नहीं उठाएगा, तो कोई अनटचेबल नहीं रहेगा. तो मतलब इस टाइप से. अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, ये तो नेट लेवल का हो जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि 3 सजेशंस कौन से, ये इवन नेट में ही आ सकता है, बाकी Dsssb स्क्रीनिंग्स और K.V.S में नहीं, ठीक है. बट हम कंटेंट कंप्लीट करेंगे. अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको रिमेंबर याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. E.M. फ्रोस्टर ट्रांसलेटेड द मेन लैंग्वेज, मतलब फ्रोस्टर ने इसका प्रीफेस लिखा था. दिस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल रिटन बाय, जो अनटचेबल का प्रीफेस था वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो E.M. फ्रोस्टर के द्वारा लिखा गया था. और E.M. फ्रोस्टर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मुल्क राज आनंद. तो ये भी ध्यान रखना कि नेट में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी, कौन जो इंग्लिश पर्सन था, जो एक फ्रेंड था मुल्क राज आनंद का इंडियन राइटिंग में. तो आपको ध्यान रखना E.M. फ्रोस्टर इज बेसिकली द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मुल्क राज आनंद, काफ़ी डोमिनेटिंग थे, ठीक है. और एंड लास्ट महात्मा गांधी अपीयर्स एंड द स्पीक दिस टॉपिक. महात्मा गांधी ने भी इस टॉपिक पर अभी बहुत बोला अनटचेबिलिटी, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस आपको मेन थीम आप निकाल सकते हो, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन सच काइंड ऑफ प्ले, सॉरी नॉट प्ले, नोवल. सेकेंड मेजर वर्क पे आते हैं, डेट इज कुली. सेकेंड मेजर वर्क है मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ है कुली. एंड कुली 1936 ईयर भी आपको याद रखने हैं, नेट पे तो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर आता है उसमें काम आते हैं. कुली जो है, मुनु इज द सेंटर कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर नोवेल. मुनु इज द सेंटर कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर नोवेल. अब इसके अंदर क्या है, कुली के अंदर ऑर्फन बॉय है जो है 14 ईयर का. ऑर्फन मीन्स अनाथ बच्चा है मुनु. पॉवर्टी को दिखाया हुआ, एक्सप्लोइटेशन को दिखाया हुआ है.
और कांगड़ा हिल्स उसके जो है ये अपने विलेज में रहता है, फिर एक फैक्ट्री वर्कर बनता है, देन ये रिक्शा पुलर बनता है, फिर इसको लास्ट में शिमला ले जाते हैं, शिमला में भी ये काम करता है और फाइनली इसकी जो है डेथ हो जाती है। तो इस टाइप से इट सफर फ्रॉम इज लूज टाइपिंग ऑफ द डी एच ए मतलब डी अटैच्ड एपिसोड्स है, मतलब इस टाइप की जो है स्टोरी है आपको ध्यान रखना है। कुली जो है मेन कैरेक्टर मोनू, आपको पता साहित्य अकादमी विनर है भाई मुल्क राज आनंद। एंड रिमेंबर द फैक्ट सम स्टूडेंट आर सैड इट्स फॉर अनटचेबल, सम सैड इट्स फॉर मॉर्निंग फेस, सम सैड इट्स फॉर कुली। तो रिमेंबर गाइस, साहित्य अकादमी अवार्ड इज नॉट गिवन फॉर ए पर्टिकुलर बुक। साहित्य अकादमी अवार्ड किसी बुक के लिए नहीं दिया जाता है, ऑल ओवर राइटिंग के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। मीन्स ऑल ओवर जो मुल्क राज आनंद जी ने अच्छा लिखा तो ऑल ओवर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है साहित्य अकादमी अवार्ड, ना कि किसी पर्टिकुलर बुक के लिए। किसी पर्टिकुलर बुक के लिए दिया जाता है बुकर प्राइज, तो आपको ध्यान रखना है साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला है मीन्स ऑल ओवर इनकी राइटिंग्स के लिए, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर बुक। नेक्स्ट है टू लीव्स एंड ए बड। टू लीव्स एंड ए बड आल्सो काफ़ी, टू लीव्स इन बड इज आल्सो इम्पॉर्टेंट वर्क। इसके अंदर गंगू की स्टोरी है, तो स्टोरी इज अबाउट द गंगू। गंगू इज ए पंजाबी पीजेंट, पंजाबी पीजेंट है भाई गंगू, और ये आसाम में वर्क करता है, ठीक है। आसाम में मतलब जो है किसान होता है, ये ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं उनसे अपनी डॉटर को बचाता है, वो उनका रेप्ड करने लग जाते हैं ब्रिटिश सोल्जर, तो उससे अपनी डॉटर को बचाता है, इस टाइप की स्टोरी होती है। तो मीन्स आप बेसिकली ये कह सकते हो इसके अंदर रेशियल सुपीरियरिटी दिखा रखी है कि ब्रिटिशर्स आर द रेशियल, रेशियल मतलब रंग भेद में हमसे सुपीरियर हैं, मच बेटर हैं। तो दीज काइंड ऑफ थीम गिवन इन सच स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द विलेज। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगी मैं आपको। द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड सोवर्ड एंड द सिकिल, दीज थ्री आर द ट्रायोलॉजी ऑफ मुल्क राज आनंद। बेसिकली मैक्सिमम टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड, फोर वर्क्स आर गिवन, चार वर्क्स दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा विच इज नॉट अमंग द ट्रायोलॉजी ऑफ मुल्क राज आनंद। तो यू हैव टू रिमेंबर द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, सोवर्ड एंड द सिकल, ये ट्रायोलॉजी है, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना। द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर, सोवर्ड एंड द सिकल, याद कैसे करेंगे? विलेज एक गांव था, गांव में अक्रॉस द ब्लैक वाटर मतलब एक हमें नदी पार करके जानी थी, मतलब वाटर पार करके जाना था, अक्रॉस एंड सोवर्ड, भाई हम तलवार हाथ में लेके जा रहे हैं कि हमें कोई रस्ते में ना मिल जाए, ठीक है। तो विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड सोवर्ड एंड द सिकल, तो ये ट्रोलॉजी है, ध्यान रखना इनको इकट्ठा आपको याद करना है। 1939, 1940 एंड 1942। द विलेज, विलेज में जो बेसिकली हीरो है मेजर हिंदो, दैट इज लाल सिंह। लाल सिंह होता है पीजेंट ऑफ पंजाब होता है, ही रेज द वॉइस अगेंस्ट द सोशल इविल्स ऑफ सोसाइटी। तो लाल सिंह जो सोसाइटी में जो इविल्स थी उस टाइम, प्रिविलेज थी, फेमस थी, उन इविल्स के अगेंस्ट जो है ये आवाज़ उठाता है। तो दिस काइंड ऑफ स्टोरी गिवन इन द विलेज। नेक्स्ट जो वर्क है ट्रायोलॉजी में अक्रॉस द ब्लैक वाटर, इसमें लालू जो है बेसिकली हीरो होता है लालू, ये भी एक इनोसेंट पीजेंट होता है जिसकी लैंड वैंड को जो है ले लेते हैं, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं इसकी लैंड को ले लेते हैं, और ही वॉन्ट्स टू बी स्पाई इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी जो है ये ज्वाइन करना चाहता है, और फाइनली ये वर्ल्ड वार में भी मतलब ओनली वर्क डेट द सेट अगेंस्ट द वर्ल्ड वार, तो ये इंडिया के अगेंस्ट जो है वर्ल्ड वार के अंदर जाता है, भाई ये याद रखना। दिस इज ओनली वर्क डेट, सॉरी इंडिया के अगेंस्ट नहीं, इंडिया मतलब इंडियन आर्मी में शामिल होकर वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि इंडियन राइटिंग में लिखा हुआ जो वर्क है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं, सॉरी 1900, हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार को रिप्रेजेंट करने वाला वर्क है, डेट इज द वर्क अक्रॉस द ब्लैक वाटर। तो इसका ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, द मुल्क राज आनंद विच वर्क रिप्रेजेंटेड द वर्ल्ड वार, तो अक्रॉस द ब्लैक वाटर। नेक्स्ट जो वर्क है सोवर्ड एंड द सिकल, दिस इज द टाइटल बेस्ड ऑन द जॉर्ज ओरवेल एनिमल फॉर्म। तो ये जो सोवर्ड द सिकल जो टाइटल है वो जॉर्ज ओरवेल के एनिमल फॉर्म से इंस्पायर्ड है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसके अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिशियन, सोशल, इन सब चीजों को दिखाया गया है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट फेमस वर्क, मोस्ट फेमस वर्क काफी बार पूछा था एग्जाम में, द बिग हार्ट 1945, द बिग हार्ट टाइमिंग इज 1945, दिस वाज रिटन इन द स्ट्रीम एंड कॉन्शियसनेस स्टाइल। स्ट्रीम एंड कॉन्शियसनेस यू नो वेल द इंटरनल फीलिंग्स, जेम्स जोए के, वर्जिना वुल्फ, दीज राइटर्स आर रिलेटेड टू सच स्ट्रीम। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस इंटरनल माइंड से रिलेटेड होती है, तो कैपिटलिज्म, कोपर स्मिथ, इसके अंदर एक तरफ तो पूंजीवादी लोग हैं, एक तरफ जनरल लोग हैं, मीन्स यू कैन से इज द, दिस वर्क शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मशीन्स। तो कॉपर स्मिथ वर हैंड मशीन्स, जो कॉपर स्मिथ है उनके पास हैंड मशीन होती है, तो जो कैपिटलिस्ट हैं
उनके पास बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो दे मतलब आप समझ रहे हो ना, साहूकारों के पास बड़ी बड़ी मशीन है तो वो उनको निकालना चाहेंगे ना, भाई तुम निकल जाओ, हम मशीनों से काम कर लेंगे, लेकिन वो निकलेंगे तो उनकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी, मतलब तो इस टाइप की स्टोरी है। अनंत हीरो है इस वर्क का, ध्यान रखना, द बिग हार्ट हीरो इज अनंत, ठीक है, अनंत है, लेकिन अनंत इस चीज़ को अपोज नहीं करता। अनंत कहता भाई मशीनें होनी चाहिए, नो डाउट मशीनों से काम फास्ट होता है, बट वो मशीनें कहती है कि वो मशीन किसी साहूकार के लिए नहीं होनी चाहिए, मतलब जनरल लोगों के लिए होनी चाहिए, हम वर्कर्स को मशीन दी जाए ताकि हमें आराम भी मिल जाए और हम मैक्सिमम काम भी कर सकें। मीन्स उसका साहूकार तो क्या कह रहे हैं, भाई मशीन ही काम करें और इनको निकाल दो, बट ये अनंत हीरो क्या कहता है कि मशीन ही काम करे बट वो मशीन हमें दो, मतलब हम वर्कर्स भी रहेंगे और हम उनसे बेटर काम करेंगे। तो मतलब ये स्टोरी है इसके अंदर, तो काफी बार पूछा जाता है ये। द नेक्स्ट बट गांधी फॉलोअर्स डोंट फॉलो इट इज यूज इन द कैपिटल, बस इसके अंदर सिंपल है, लेबर्स कैपिटलिज्म, तो यही सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस पॉइंट इज टू मच इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब मुल्क राज आनंद डिसाइड करते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने का, अपनी लाइफ स्टोरी लिखने का। यू नो ऑटो मीन्स इट्स सेल्फ, अपनी बायोग्राफी, अपनी लाइफ स्टोरी जब हम खुद लिखते हैं इट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। अब मुल्क राज आनंद डिसाइड करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी लिखने का, और ही डिसाइडेड ही वॉन्ट्स टू राइट इन द 7 पार्ट्स। ये डिसाइड करते हैं कि अपनी ऑटोबायोग्राफी को 7 पार्ट्स के अंदर लिखेंगे, बट होता क्या है, 7 पार्ट नहीं लिख पाते, 4 पार्ट लिख पाते। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, विच इज द फर्स्ट पार्ट, विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ मुल्क राज आनंद, एंड वी आर टोटली कंफ्यूज। तो डोंट बी कंफ्यूज, ही डिसाइडेड टू राइट द 7 पार्ट्स बट ही कंप्लीटेड ओनली द 4 पार्ट। डिसाइड करते हैं 7 पार्ट को बट कंप्लीट करते हैं 4 पार्ट्स को, ठीक है। अब 4 पार्ट में जो सबसे पहला वर्क था वो था सेवन समर 1951, ठीक है, 1951 सेवन समर। इट वॉज द प्रोजेक्टेड एज द 7 वॉल्यूम। अब ये चीज ध्यान रखना, जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी थी उसका नाम इन्होंने दिया था 7 एजेस ऑफ मैन। यू जस्ट रिमेंबर, जो नाम दिया था वो 7 एजेस ऑफ मैन दिया था, और 7 एजेस ऑफ मैन का जो फर्स्ट वर्क था दैट इज 7 समर्स। तो डिफरेंस इज देयर, द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज ऑफ मुल्क राज आनंद दैट इज 7 एजेस ऑफ मैन, एंड द फर्स्ट वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज इज 7 समर्स। इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड 7 वॉल्यूम्स एंड ऑटोबायोग्राफी के नॉवल विच इज कॉल्ड एज द 7 एजेस इज द फर्स्ट एज। और इसके अंदर मुल्क राज आनंद ने क्या दिखाया हुआ है, अपनी लाइफ के 7 ईयर्स। जस्ट रिमेंबर द 7 first 7 years ऑफ हिज लाइफ डिस्क्राइब्ड इन द 7 समर। एंड द नेक्स्ट दिस ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज, द नेक्स्ट नॉवल इज मॉर्निंग फेस 1968। मॉर्निंग फेस इज टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ द चाइल्डहुड टू एडोलसेंस। जो चाइल्डहुड से एडोलसेंस की जर्नी है वो डिस्क्राइब की गई है मॉर्निंग फेस के अंदर। And this has received the Sahitya Akademi Award in the Krishna, मतलब during this time you can say he received the Sahitya Akademi Award after this work. And Krishan Chandra is a hero of, and you know well one thing that you remember, hero is the Krishan Chandra. It means not a Krishan Chandra, hero is the Mulk Raj Anand itself. Mulk Raj Anand ने अपने आप को disguise किया है किस में, Krishan Chandra में, क्योंकि इस autobiography ना, तो Krishan Chandra is the, you can say, क्योंकि एक बार ये question net में पूछा गया था कि मुल्क राज आनंद डिस्काइड परसोना हिज ओन पर्सनैलिटी विच कैरेक्टर, तो यू जस्ट रिमेंबर कृष्ण चंद्र इज द सेकेंड ऑफ डेट सीरीज। एंड द थर्ड वर्क द कन्फेशन ऑफ लवर, कन्फेशन ऑफ लवर डेट इज थर्ड वर्क 1976। कन्फेशन इज लवर इज अ टॉल इज अ टॉक अबाउट द लव अफेयर्स एंड पेट्रोटिक फीलिंग, नेशनलिस्ट फीलिंग, पेट्रोटिक फीलिंग्स एंड लव अफेयर डिस्क्राइब इन दिस पर्टिकुलर वर्क। And the last one is a important, that is Bubbles. And the last work is the last part of the autobiography of 7 Ages of Man. 4-parted hai, to 4 last part hai, Bubbles. And the last, stay in England for the 5 years. Iske andar Mulk Raj Anand ne apni life story, jo scholars banne wali jo life story thi, 7 years tak inhone thesis likhi thi England ke andar, engaged ho gaye the. To ye sab dikhaya gaya hai iske andar. And hero is the only and only Krishan Chandra. To Krishan Chandra is, you can say, is a character of Mulk Raj Anand. So just remember guys, he decided to 7 but he wrote the 4. The first is 7 summer. So we will say 7 summer life ke 7 saal. 7 summer ke baad bachche ka ekdam bright face ho gaya. Bhai, morning face, childhood to adolescence. Morning face, phir adolescence mein aake to lover hi banega. To confession of the lover. Aur lover ban gaya to bubbles. Bhai, love bubbles hota hai. Matlab kehte na, love aata aur chala jata hai. To it's a kind of bubbles. To aise yaad kar lenge charo hum. तो क्वेश्चन आ सकता है विच इज नॉट अमंग द 7 सीरीज, विच इज द फर्स्ट वर्क, विच इज द सेकंड वर्क, विच इज द लास्ट ऑफ दिस सीरीज, तो यू जस्ट रिमेंबर।
The next work is Private Life of Indian Prince. The Private Life of Indian Prince, 1953, and the hero of this particular work is Anand. The hero of this particular work is Anand. You just remember about the Anand. इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो प्रिंसेस स्टेट थे पहले, जो प्रिंसली स्टेट थी, राजा महाराजाओं वाला जो राज बनता था हमारा, तो उसके ऊपर जो है ये वर्क लिखा गया था. इसके अंदर दो वर्क जो है बेसिकली डील अबोलिशिंग ऑफ प्रिंसली सिस्टम ऑफ इंडिया आफ्टर लिव इन द हार्मनी. तो बैकग्राउंड ऑफ यू कैन से इज अ काइंड ऑफ दिस थिंग्स, हिस्ट्री, प्रोटैगनिस्ट, प्रिंसली राज्य, मतलब ये वाले जैसे हैदराबाद और इस टाइप के राज्य बने थे उनके ऊपर है ये जो चीज़ें हैं. एंड द नेक्स्ट वर्क इज इम्पॉर्टेंट वन, द ओल्ड वुमेन एंड काउ, 1960. द ओल्ड वुमेन एंड काउ 1960. It shows how a cow transfer into the tigers, only novel which has a woman as a central character. देखा मुल्क राज आनंद के जितने भी characters हैं उसके अंदर basically males जो है dominating रहे हैं, but इसके अंदर जो है एक female जो है dominating रही है. तो आपको ये ध्यान रखना है, female domination वाला जो novel है मुल्क राज आनंद का, the old woman and cow, it shows a cow is transformed in the tigers. Gori is the major character. तो Gori जो है इसमें real Indian लाइफ को ट्रिब्यूट करती है, सेम मतलब गोरी धीरे पहले सहती है, धीरे धीरे थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो लाइक डैट. इसके अलावा ये जो है मेजर वर्क थे मुल्क राज आनंद के जो मैंने आपको डीपली डिस्क्राइब करे हैं. इसके अलावा सम अदर वर्क्स हैं जिनका जस्ट आप नाम याद रखना, द रोड. रोड में भीखू एक कैरेक्टर होता है, सिंपल है, भीखू के गाँव में एक रोड बनना होता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है कि रोड बनेगा तो व्हीकल्स आएंगे, ये होगा वो होगा, ठीक है. नेक्स्ट जो वर्क है डेथ ऑफ हीरो, नेक्स्ट वर्क इज ए डेथ ऑफ हीरो. अब डेथ ऑफ हीरो इट डील्स विद द ट्रायल एंड द मुस्लिम नेशनलिस्ट पाकिस्तानी राइडर्स ऑफ द कश्मीर. ये वो 1947 वाला जो इवेंट है जो पाकिस्तानी राइडर्स हैं कश्मीर वाले, इस डील विद द ट्रायल एंड द, मतलब ये एक मुस्लिम सोसाइटी को 1947 के सीन्स को दिखाते हैं. मकबूल इज अ मेजर कैरेक्टर, मकबूल जो है इसका मेजर कैरेक्टर होता है. इसके अलावा मुल्क राज आनंद जी ने शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी कुछ, तो यू जस्ट रिमेंबर अबाउट द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ मुल्क राज आनंद. And the most important, The Lost Child काफ़ी बार आती है सिलेबस में भी, NCERT सिलेबस में, आई थिंक इन 9th class. तो द लॉस्ट चाइल्ड इज फेमस. एक बच्चा लॉस्ट हो जाता है तो वो अपनी मम्मी से पहले बहुत सारी चीज़ें मांगता है, उसके पेरेंट्स दिलवाते नहीं, बट वो गुम हो जाता है तो एक बंदा उसको मिलता है, उसको खूब चीज़ें दिलवाता है बट वो कुछ नहीं चाहता, बस अपने पेरेंट्स को चाहता है. तो ऐसी कुछ स्टोरी होती है. द बारबर ट्रेड यूनियन इज अनदर वर्क, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, ए डार्क नाइट एंड द कोबलर्स एंड द मशीन. तो ये बेसिकली मुल्क राज आनंद के शॉर्ट स्टोरी का जो है कलेक्शन जो है रहता है, ठीक है. तो ये मुल्क राज आनंद के शॉर्ट स्टोरी का क्या रहता है गाइज, कलेक्शन. तो आई होप गाइज यू लाइक द कंटेंट ऑफ मुल्क राज आनंद. मैंने सीरियसली आप लोगों के लिए दिल से बनाया है ये कंटेंट, तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें. देखो सीधी सी बात है, इंग्लिश लिटरेचर मैं तभी करवाऊंगी जब मुझे, जैसे मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, बच्चे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं, तो मेरा खुद मन करता है यार नेक्स्ट वीडियो जरूर आनी चाहिए, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर दैट. बट इन इंग्लिश लिटरेचर आई वॉन्ट द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम यूर साइड. इफ यू सीरियसली लाइक माई वीडियोज, माई एफर्ट्स फॉर यू गाइज, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वेरी फर्स्ट. रेड रेड आइकन दिख रहा है तो भाई उसको ब्लैक कर लो, सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियोज आपको मिलते रहे. बेल आइकन प्रेस करो ताकि न्यू वीडियोज आपको जो है मिल जाए. साथ में द मेन थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज, गिव मी द कमेंट्स विच काइंड ऑफ फील यू लाइक आफ्टर दिस कंटेंट, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कमी है, क्या इंप्रूव करना चाहिए. आई थिंक मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करवाया क्योंकि मैं चाहती हूँ हर बच्चे को समझ आए, तो बाइलिंगुअल चीज़ें एक्सप्लेन करके हर एक क्वेश्चन को मैंने कवर करने का कोशिश किया है. तो सीरियसली आपको अच्छा लगे मेरी मेहनत तो भाई इसको लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे दूसरों बच्चों तक पहुंचाओगे तो मुझे लगेगा यार बच्चे अच्छा मान रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं न्यू वीडियोस बनाने के लिए रीइन्फोर्स होंगी, अदरवाइज ये लगता है छोड़ यार, तो ये फीलिंग होती है भाई. सो प्लीज कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय. इट्स अ पार्ट वन, वी विल गो विद द पार्ट टू, पार्ट थ्री, नियर अबाउट द 10 parts ऑफ इंडियन राइटिंग एंड आई कंप्लीटेड इट्स फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम. सो बाय बाय, गुड नाइट.